अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक धमाकेदार न्यूज़ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद के तीसरे दिन इकरा अजीज और यासिर हुसैन के गांडा ने मुन्ने बेटे की पैदाइश हुई थी, जहाँ पर इकरा अजीज के बेटे की पैदाइश पर उनके तमाम फैंस बहुत ज़्यादा खुश हुए। वहीं पर अदाकार भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, जहाँ पर तमाम अदाकार इकरा अजीज को उनकी बेटे की मुबारकबाद देते हुए नज़र आए। वहीं पर फैसल कुरेशी और उनकी फैमिली इकरा अजीज और उनके बेटे से मिलने उनके घर पहुंच गए, जिसके फैसल कुरेशी की फैमिली इकरा अजीज के बेटे को गोद में उठाने के लिए और बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए बेताब थी, इसीलिए कबीर हुसैन से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गई। और देखिए यासिर हुसैन ने उनका घर में किस तरीके से इस्तकबाल किया। यासिर हुसैन ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें फैसल कुरेशी और इकरा अजीज की फैमिली आपस में मुलाकात कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने लिखा कि कबीर हुसैन अपने चाचा स्टार से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और दो बहन भाई से मिलकर भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। खुशी तो फैसल कुरेशी और इनके फैमिली के चेहरे पर दिखाई दे रही है, साथ ही साथ आप फरमान और आयत को भी बहुत ज़्यादा खुश देख सकते हैं। इसके अलावा यासिर हुसैन ने यह तस्वीर भी शेयर की और लिखा कि कबीर हुसैन अपने ताया फैसल कुरेशी और सना फैसल ताई जान से दुआएँ लेते हुए। अलावा इकरा अजीज और यासिर हुसैन अपने बेटे के साथ तस्वीर शेयर कर चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो कबीर हुसैन की तस्वीर यानी चेहरा कब दिखाएंगे। इस पर यासिर हुसैन ने जवाब देते हुए कहा कि जब इकरा अजीज चाहेंगी तभी अपने बेटे का चेहरा दिखाएंगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि फैसल कुरेशी जब इकरा अजीज के बेटे से मिलने आए तो फैसल कुरेशी ने चाचा और मामू दोनों ही की सूरत में उनके बेटे कबीर हुसैन को गोल्ड की रिंग गिफ्ट की, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लाड भी किया। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही आपको अगर ऐसी बहुत सी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।